मैं आप सबको प्रणाम करते हुए आगे ले चलता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये समय है आदरणीय दान बहादुर सिंह जी को सुनने का। और दान बहादुर सिंह जी, मैंने बताया ना वो नाम जिसे उप मुख्यमंत्री जी ने विशेष तौर पर सम्मानित किया और इस कविता के लिए धन्यवाद दी जो उनके प्रतिनिधि रचना है, बेटियों के लिए जो उन्होंने बात कही है। मैं चाहता हूं जो आपका दिल करे वो सुनाए, लेकिन वो रचना जरूर सुनाइएगा। एक बार जोरदार तालियां बजाकर दान बहादुर सिंह। नहीं नहीं ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। तो बहुत अच्छा सुन रहे हैं और युवा साथी बैठे हैं, पहले उनके मन की बात हो जाए फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, सदी से पूछो जो पूछ रहा है। हुआ नहीं आशिकों में मुझसा, सदी से पूछो जो पूछना है। और खिताब सारे निसार तुम पे, किसी से पूछो जो पूछना है। खिताब सारे निसार तुम पे, किसी से पूछो जो पूछना है। और रिवाज सारे रटे हुए हैं, पता मुझे है हवन के माले। एकदम ऐठन है बनारसी ऐठन कि रिवाज सारे रटे हुए हैं, पता मुझे है हवन के माले। और इबादतों में कभी न रखते, उसी से पूछो जो पूछना है। इबादतों में कमी न रखते, उसी से पूछो जो पूछना है। और तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना। अगली लाइन पे हंगामेदार ताली बजनी चाहिए। तुम ही बसे मेरी धड़कनों में, ऐलान कर दे कहां बताना। और उचक उचक के तुम ही को देखा, सखी से पूछो जो पूछना है। तुम्ही को देखा, सखी से पूछो जो पूछना है। और महक उठे हैं कमल जो नीले, छुपा न पाए किसी से हम तो। इश्क और मुझ छुपाए नहीं छुपता है, ठीक है। महक उठे हैं कमल जो नीले, छुपा न पाए किसी से हम तो। अरे झुकी है पलके शर्म से उनकी, मुझी से पूछो। झुकी है पलके शर्म से उनकी, मुझे से पूछो जो पूछना है। यही तो सुनने के लिए बैठे थे, इसी में शुरुआत कर रहा हूं। तमाम तमाम बातें अधूरी रखकर मुकर गया वो दिखा के सब, ब्रेकअप हो गया। तमाम बातें अधूरी रखकर मुकर गया वो दिखा के सपने, उदास कितनी हुई है आंखें, नमी से पूछो जो पूछना। उदास कितनी हुई है आंखें, नमी से पूछो जो पूछना है। और वफा दिखाता अगर समंदर, न होता नमकीन मीठा पानी। वफा दिखाता अगर समंदर, समंदर की ऐसी व्याख्या किसी ने नहीं की होगी। अगर किसी एक कहो के रहता ना, तो उसकी मिठास बरकरार रहती। खारा क्यों हुआ उसे बता रहा हूं। वफा दिखाता अगर समंदर, न होता नमकीन मीठा पानी, कहां पे ठहरा उदास पानी, नदी से पूछो। कहां पे ठहरा उदास पानी, नदी से पूछो जो पूछना है। और किताब में तो नहीं मिलेगा, जिया है जैसा ये इश्क हमने। किताब में तो नहीं मिलेगा, जिया है जैसा ये इश्क हमने। गुरूर नादान का तुम ही हो, किसी से पूछो जो पूछना। किसी से पूछो जो पूछना। अब एक कविता सुनाता हूँ। एक कविता क्या है इसको शब्दों में बांधने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि सबने कुछ न कुछ कहा है, तो उसे सुनाता हूँ कि कविता शब्दों का अद्भुत खेल है। कविता शब्दों का अद्भुत खेल है, कविता बुद्धि का मन से मेल है। कविता शब्दों का अद्भुत खेल है, कविता बुद्धि का मन से मेल है। कविता कथा है, कथ्य है, कथन है। कविता कथा है, कथ्य है, कथन है। कविता पन्ने पे उकेरा हुआ वचन है। कविता कथा है, कथ्य है, कथन है। कविता पन्ने पे उकेरा हुआ वचन है। कविता काव्य है, संभाव है। कविता तारक है, प्लाव है। कविता काव्य है, संभाव है। कविता तारक है, प्लाव है। कविता साक्षात भी है, निर्गुण भी है। कविता साक्षात भी है, निर्गुण भी है। कविता अधूरी होकर संपूर्ण भी है। और कविता चांद और चकोर का किस्सा है।
कविता चांद और चकोर का किस्सा है, कविता बूढ़े माँ बाप की रोटी का हिस्सा है। सब कुछ है कविता, बस एक ध्यान देने वाली बात है। जैसे चंदौली जिले को कविता मदहोश है मतवाली है, कविता सर्द सवेरे चाय की प्याली है, कविता सर्द सवेरे चाय की प्याली है और कविता दोपहर की धूप का पसीना है, तो कविता बारिश में भीगती हसीना है। कविता दोपहर की धूप का पसीना है, तो कविता बारिश में भीगती हसीना है, कविता सहज है सौम है सादा है, तो कविता परदेश जाते प्रेमी का वादा है। कविता सहज है सौम है सादा है, कविता परदेश जाते प्रेमी का वादा है, कविता मनुष्य की बेबसी का पर अटास है, कविता राजनैतिक विद्रूपता पर भास है, कविता राष्ट्र का इंसानियत का संदेश है, कविता राष्ट्र का इंसानियत का संदेश है, कविता आमजन की पीड़ा है आवेश है, कविता आमजन की पीड़ा है आवेश है, कविता चिंगारी में आग का आभास है, कविता चिंगारी में आग का आभास है, कविता रक्त से सींचा हुआ इतिहास है, और कविता खेत है खलिहान है हरियाली है, कविता बिना अस्त्र देश की रखवाली है, कविता बिना तो दमदार भाई का जो आदेश हुआ था उसको, हाँ उसको सुना के मैं अपना स्थान लेता हूँ, क्योंकि ये गांव गिराव का मंच है, अखबार का मंच है, तो उस पर ये सुनाना और लाजमी हो जाता है। और आप लोग बहुत ही गंभीरता सुन रहे हैं, तो आए दिन जो बलात्कार की घटनाएं होती हैं उसी को शब्दों में पिरोने की कोशिश किया हूँ कि कैसे हम अपनी गंदी सोच को आरोपित कर देते हैं कि उसके नखरे थे लड़की के, कपड़े छोटे थे, उसी को सुनिएगा, बस मान ले के सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा अपना उसको अपनी तालियों के माध्यम से। कि वो माफी मांग तो रही थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। क्या बात, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को जो खुद में सिमटे हुए मांग रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान, फिर भी ना सुना उसके नम इसरार को जो खुद में सिमटे हुए मान रही थी तुमसे खुद का स्वाभिमान, कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटने में अपने पूरे बदन को धसाते हुए, कभी अपनी हथेलियों से अपने सीने को छुपाते हुए, कभी अपने घुटनों में अपने पूरे बदन को धसाते हुए अपने अस्मक की इष्टता करते हैं, अपने पूरा वो चित्र उभर आना चाहिए, अपने अस्मत की इच्छा करती, फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में ऊपर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा, फिर भी तुम्हारी पापी नजरों में ऊपर आए लहू को ना दिखा उसका मासूम सा चेहरा, बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा, बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा खिला है तुम्हारे घर में भी खिलखिलाता चेहरा, फिर क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को, फिर क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को, क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर, फिर क्यों चीर दिया उसकी आत्मा को, क्यों बना दिया उस मासूम को अखबारों की सुर्खियां और चौराहों की चटपटी खबर, सिर्फ इसलिए कि वो भी खुल के हंसना चाहती थी और रंग बिरंगे कपड़े पहन तितली दौड़ना चाहती थी और तुम्हारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी, तुम्हारी काली दुनिया में कुछ रंग अपने मन का भरना चाहती थी, वो माफी मांग तो रही थी उस गलती के लिए जो उसके हिस्से की थी ही नहीं। क्या बात है भाई, वाह 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 भाई, बहुत बढ़िया।